फ्रेंड्स, मैं दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आज आपको दिखाएंगे कैसे ई-कॉमर्स प्लगइन को यूज करते हैं, एक ई-कॉमर्स साइट आप बना सकते हो ई-कॉमर्स प्लगइन को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वर्डप्रेस हमने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, वर्डप्रेस फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो हम जाएंगे जैम ओपन करेंगे, ठीक। लोकल में आपको चलाने के लिए सर्वर चाहिए, जैम सर्वर और वाम सर्वर, कोई भी एक ऑफलाइन सर्वर चाहिए। तो मेरे पास जैम है, तो हम जैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे पहले। उसके बाद अपाचे एंड MySQL ये हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए Apache and MySQL ऑन हो रहा है, ग्रीन हो गया। देन हम जाएंगे लोकल होस्ट एंड PHP MyAdmin। तो ये मेरा PHP MyAdmin का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो हमने C ड्राइव के अंदर जैम है, जैम के अंदर htdocs है, ठीक है। htdocs के अंदर हमने एक WooCommerce बोल के एक फोल्डर बनाया, WooCommerce बोल के फोल्डर बनाया। WooCommerce के अंदर हमने बनाया क्या, जो WordPress फाइल हमने डाउनलोड किया था उसको हम एक्सट्रैक्ट कर दिया पूरा WordPress साइट को, ठीक है। सेम नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे PHP एडमिन में। तो जाएंगे डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो हम डेटाबेस पे हम WooCommerce बोल के डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अभी जाएंगे लोकल होस्ट देन WooCommerce देन एंटर। अभी देखिए ये अभी कॉन्फिगर वर्डप्रेस को कॉन्फिगर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस को कॉन्फिगर करेंगे, इंग्लिश रहने देंगे। Then let's go. अभी डेटाबेस नेम, मेरा डेटाबेस नेम है WooCommerce, यूजर नेम रूट देंगे एंड पासवर्ड कुछ नहीं देंगे, ठीक है, पासवर्ड ब्लैंक कर देंगे। देन सबमिट, अभी इंस्टॉल, अभी इंस्टॉलेशन होगा, वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, हो गया। साइट नेम फिर हम WooCommerce दे रहे हैं, बाद में चेंज कर सकते, कोई बात नहीं। यूजर नेम WooCommerce, पासवर्ड भी WooCommerce@123 दे रहे, ठीक है, वीक बोल रहा है, तो ठीक है, अभी टेस्ट करने के लिए बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देन कॉन्फर्म वीक पासवर्ड, ये तो ठीक है, ईमेल दे देता हूं। देन इंस्टॉल हो गया, देन लॉगिन। तो हम WooCommerce एंड पासवर्ड WooCommerce@123 देन लॉगिन। तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है, कॉन्फिगर भी होगा, इंस्टॉल भी हो गया। अभी क्या करना है, WooCommerce कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है, WooCommerce प्लगइन को इंस्टॉल करना है एंड थीम को चूज करना है। तो अभी कौन सा थीम है, बिजी साइट क्लिक करेंगे, तो देखिए कौन सा थीम है, वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम होता है वही थीम अभी शो कर रहा है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट थीम चेंज करेंगे, तो एप्लीकेशन देन थीम, अपीयरेंस देन थीम। तो यहाँ पे देखिए तीन तो डिफॉल्ट थीम 2022, 2020 एंड 2021 तीन तो थीम है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नया थीम लेंगे, तो बहुत सारा नया थीम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एस्ट्रा भी बहुत अच्छा थीम है, तो हम क्या करेंगे, ओशन बोल के थीम है बहुत अच्छा, ओशन WP नाम है। तो इस थीम को हम इंस्टॉल करेंगे, ओशन WP ये वाला, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, बहुत कुछ मिलता है आपको, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। देन अभी इंस्टॉल हो गया, अभी एक्टिव, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरा थीम जो था चेंज हो गया, अभी पूरा पूरी चेंज हो गया, ठीक है। अभी WooCommerce के लिए कुछ प्लगइन हमको इंस्टॉल करना है, तो प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट दो तो थीम है, तो हम ये डिफॉल्ट थीम दोनों को हम डिलीट कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमको, ये डिलीट कर देंगे। अभी नया थीम चाहिए तो एड न्यू करेंगे। WooCommerce के लिए कुछ प्लगइन है मेरे पास, हम नाम लिख के रखे हैं, ये सब प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंटर अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम हमने ओनली WooCommerce कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने कैसे होम पेज को हम सेट करेंगे वही दिखाएंगे, ठीक है। तो हम ये पांच तो हम अभी यूज नहीं करेंगे, ये तीन प्लगइन को यूज करेंगे, ये तीन प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। जब हम WooCommerce कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जब मेरा WooCommerce कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो में ये ऊपर चट्टो और नीचे चट्टो इंस्टॉल करके हम होम पेज या बाकी जितना भी पेज है कैसे हम उसको
सेट करेंगे वही दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम वूकॉमर्स का कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे सर्च करते हैं वूकॉमर्स, देन इंस्टॉल करने इंस्टॉल देन वूकॉमर्स वेरिएशन स्विचेस, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, सर्च करते हैं, अभी एक्टिव नहीं करेंगे, एक्टिव हम एक साथ कर लेंगे। देखिए वूकॉमर्स वेरिएशन स्विचेस यही आ गया एंड वूकॉमर्स विश लिस्ट, ठीक है। वूकॉमर्स विश लिस्ट तो देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी जाएंगे प्लगइन्स पे, एक साथ जितना भी प्लगइन हमने तीन तो प्लगइन इंस्टॉल किए उसको एक साथ भी एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सब एक साथ सिलेक्ट कर लिया, देन एक्टिव, देन अप्लाई, मेरा इंस्टॉल हो गया एंड एक्टिव भी हो गया। अभी साइट में देखिए कितना सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है, वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स एनालिसिस मार्केटिंग बहुत सारा आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार सेटअप कर लेते हैं, रन सेटअप वी गेट को सेटअप कर लेते हैं, विश लिस्ट, देन लेट्स गो। जैसा है हम वैसे ही रखने देंगे, डिफॉल्ट विश लिस्ट क्रिएट ऑटोमेटिकली। अगर मेरे पास कोई विश लिस्ट पेज क्रिएट है उसको हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास कोई विश लिस्ट क्रिएट नहीं है, तो ये क्रिएट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देखिए आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, मतलब विश लिस्ट जो बटन होगा उसका पोजीशन कहां होगा, आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट टेक्स्ट, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब विश लिस्ट पे जब हम टेक्स्ट देंगे बटन पे वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐड टू विश लिस्ट, तो ठीक है, कोई हम चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। देन कंटिन्यू करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए सोशल शेयर बटन है, एक अगर ऑफ कर देंगे तो ये फेसबुक बटन को नहीं मिलेगा, तो जो भी चाहिए आप, हम ईमेल को नहीं चाहिए, ईमेल मुझे नहीं चाहिए, तो इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम पिंटरेस्ट व्हाट्सएप को भी नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए, तो हमने ये दो बंद कर दिया, ये चार्ट ठीक है। तो कंटिन्यू, देन एनेबल सपोर्ट चैट भी रख सकते हैं, देन कंटिन्यू एंड रेडी, देन हम जाएंगे रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो मेरा विश लिस्ट कॉन्फिगर हो गया है। अभी क्या करेंगे, वूकॉमर्स को कॉन्फिगर करेंगे, वूकॉमर्स कॉन्फिगर करेंगे, ठीक है। स्टोर डिटेल्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टाइप, बिजनेस डिटेल्स एंड थीम, ठीक है। तो एड्रेस हम जो मेरा नॉर्मल एड्रेस है इसको दे देते हैं, देन कंटिन्यू। इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री है, हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, या फैशन फैशन एक्सेसरीज के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू, हम फिजिकल प्रोडक्ट देंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू हैव प्लानर, 1 to 10, ठीक है। करेंट सेलिंग एल्स नो, यहाँ पे कुछ फ्री फीचर्स दे रहा है, ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माय साइट, यहाँ पे देखिए कुछ फीचर दे रहा है, जेट पैक, मेल पोएट, गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, ये सब फ्री है, तो ये हम एक से क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अभी थीम, कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम, जो मेरा थीम है वही थीम को हम इंस्टॉल कर लेंगे, आ रहा है अभी वूकॉमर्स के अंदर, ठीक है, देखते क्या आता है। यहाँ पे ऐड माय प्रोडक्ट, सेटअप पेमेंट, सेटअप टैक्स, सब कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बोल के ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो हम फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट इमेज ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, सेव इमेज डाउनलोड पे हम कुछ प्रोडक्ट कॉपी कर लेते हैं, सेम प्रोडक्ट का 4-5 ये कॉपी कर लेंगे, सेम प्रोडक्ट का 4-5 इमेज हम कॉपी कर लेंगे, सेम प्रोडक्ट का, हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे,
है एड न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नाम देना है, ठीक है? तो हम यहाँ से इस नाम को हम कॉपी कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे पेस्ट, उसको यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डामी टेक्स्ट दे देते हैं, डामी टेक्स्ट दे देंगे कुछ, तो ऐसे हम कुछ डामी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का कुछ डिटेल्स दिया है, रेगुलर प्राइस, यहाँ पे प्राइस कितना है देख लेते हैं, आपका रेगुलर प्राइस है ये वाला, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, दे देते हैं एंड सेल प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस, तो सेल प्राइस इतना, तो इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे दे देते, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल मतलब फॉर्म, मतलब कौन सा डेट से टू कौन सा डेट तक ये वाला प्राइस रहेगा, मान लीजिए आज से 30 तारीख से नेक्स्ट मंथ का 30 तारीख तक ये रहेगा, तो यहाँ से हम शेड्यूल करके दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी नहीं चाहिए, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का नाम सेम नाम दे देंगे, ये वाला दे देंगे कुर्ता, ठीक है? मैनेज स्टॉक, स्टॉक में कितना है कितना नहीं है ये, तो हम जस्ट क्या करेंगे इन स्टॉक दे देंगे, ठीक है? शिपिंग वेट कितना है 5 दे देते, 5 केजी या ऐसा दे देते, लेंथ दे देते 100, विथ 200, हाइट 300, ऐसा नॉर्मल दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब आप आपकी तरह दे सकते हैं, लिंक प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एट्रीब्यूट सब कुछ नहीं करना है, जस्ट और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक लाइन का ऐसे लॉरेंसम ले लेते हैं पेस्ट, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखिए साइड में क्या क्या है, कैटेगरी है, तो कैटेगरी अभी नहीं चूज करना, प्रोडक्ट टैग्स अभी नहीं देना है, प्रोडक्ट इमेज, तो हम प्रोडक्ट इमेज डाउनलोड कर किए हैं उसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है? डाउनलोड पहला वाला प्रोडक्ट इमेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी कैसा है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट गैलरी, ये साइड में देखिए कितना सारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट गैलरी के लिए भी हम इमेज, बाकी इमेज अपलोड कर लेंगे एक साथ सब कर लेंगे, तो हो गया एड टू गैलरी, तो ये इमेज मेरा अपलोड हो गया, तो अभी क्या करेंगे पब्लिश, तो ये एक मेरा प्रोडक्ट हमने अपलोड किया है, ठीक है? एक प्रोडक्ट को हम जस्ट दिखाने के लिए अपलोड किए हैं, तो अभी देखिए WooCommerce प्रोडक्ट देन जो वुमेन Pinterest जो है अभी नाम है, इसको हम दूसरी टैब पे ओपन कर लेते हैं, देखते कैसा आया है प्रोडक्ट, कैसा शो होता है। तो देखिए अभी तो मेरा कुछ साइट डिजाइन नहीं है, ऐसा नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मल से अभी ऐसा आया है, ये नाम आ गया, यहाँ पे ब्रेड कैम है प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे ब्रेड कैम, ये प्रोडक्ट का नाम, ये हम जूम कर सकते हैं, ठीक है? ये हम मेरा रेगुलर प्राइस, ये सेल प्राइस, ये डिस्क्रिप्शन नीचे आते हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ऐड टू कार्ट, यहाँ पे विश लिस्ट, हम काउंट भी बढ़ा सकते हैं 1, 2, 3, 4 जितना भी हो कर सकते हैं, यहाँ कैटेगरी तो हमने नहीं दिया, यहाँ नाम दे दिया था एक छोटा सा, यहाँ पे देखिए ये गैलरी का इमेज हम ये कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे वेट डायमेंशन ऐसे हम दिए थे, रिव्यू यहाँ पे देखिए रिव्यू आप दे सकते हैं, रिव्यू वेरी गुड, वेरी गुड, सबमिट करते हैं हम, रिव्यू भी आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 रिव्यू, रिव्यू आ गया, ऐसे करके आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये डिजाइन नहीं है, हम एक डमी दिखाने के लिए, जस्ट WooCommerce को सेटअप करने के लिए इस वीडियो में हम ऐसे दिखाएं, ठीक है? तो हम करते हैं ऐड टू कार्ट, करते हैं ऐड टू कार्ट कर लिया, देखते हैं कहाँ जाता है, देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया व्यू कार्ट, तो व्यू कार्ट पे जाएंगे ऐड टू कार्ट करने के बाद, अभी आ गया कार्ट पेज पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए कूपन के लिए एक ऑप्शन है, तो कूपन अभी नहीं देखेंगे हम, ठीक है? यहाँ पे हम कितना क्वांटिटी ले सकते हैं, 1, 2
698। देखिए प्राइस बढ़ गया, सब टोटल टोटल अभी जीएसटी वगैरह हमने कुछ कुछ भी जीएसटी वगैरह जो है कुछ भी हमने शिपिंग जीएसटी जो भी है और हमने कुछ डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो सब टोटल टोटल दिखा रहा है, जस्ट वॉच इट टू चेक आउट। देखिए यहाँ पे नेम बिलिंग एड्रेस दिया है, सब फॉर्म ऑटोमेटिक वूकॉमर्स से आ गया, जस्ट इसका डिजाइन नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी जितना है ऐसे आ गया। सबमिट प्लेस ऑर्डर, देखिए यहाँ पे बिलिंग एड्रेस कुछ नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, तो हम ऐसे दे देते एक तो देखते क्या होता है। फोन नंबर, फोन नंबर दे दिया, ठीक है, अभी एक बार और एक बार देखते हैं। इनवैलिड पेमेंट मेथड, यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड को सेट नहीं किया है तो इसलिए नहीं जाएगा, ठीक है, तो हमको पेमेंट मेथड सेट करना है। तो एक बार देख लेते हैं, वो कॉमर्स पे जाएंगे, स्टोर डिटेल्स हो गया, पेमेंट मेथड, तो पेमेंट मेथड हमको सेट करना है, यहाँ से ही हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी इनेबल डायरेक्ट, ठीक है, तो देखिए मेरा पेमेंट मेथड सेव हो गया, ओनली कैश ऑन डिलीवरी में सेव किया है, ठीक है, ओनली। और एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी में किया है, एंड रोज पे इसको भी हम कर सकते हैं। देन सेट अप टैक्स, टैक्स इनेबल सेट अप, से आई डोंट चार्ज टैक्स, हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देते आई डोंट चार्ज सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स हम नहीं लेंगे। देन आता है कौन सा देखते हैं, टैप सेट अप शिपिंग, शिपिंग सेट स्टोर लोकेशन हो गया, हमने कलकत्ता दिया था, एंड सेट शिपिंग कॉस्ट डिफाइन हाउ मच कस्टमर पे, तो शिप डिफरेंट लोकेशन, तो ये घूमे जा रहा है, हाँ कितना करेगा, तो हम कर देते हैं 100 रुपीज, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर के लिए 500 रुपये, बाहर के लिए 200 रुपीज, ठीक है, इंडिया के लिए 100 रुपीज और बाहर के लिए 200 रुपीज, तो हो गया, शिपिंग भी हो गया। पर्सनलाइज्ड माय स्टोर, क्रिएट होम पेज, होम पेज मुझे क्रिएट करना है, अपलोड लोगो एंड सेट स्टोर नोटिस, तो ये हम नेक्स्ट दिन करेंगे। एक होम पेज क्रिएट करना है, कैसे डिजाइन करेंगे वही यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो अभी एक बार यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं चेकआउट पेज पे, देखते क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखिए जब वहां पे जस्ट सब टोटल था, अभी नया शिपिंग आ गया 100 रुपीज, क्योंकि हमने इंडिया के अंदर यहाँ पे इंडिया एड्रेस इंडिया दिया, इंडिया के अंदर हमको देना है, तो अगर यहाँ पे हम चेंज करते इटली, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए शिपिंग एड्रेस, शिपिंग जो पैसा है वो चेंज हो गया 200 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैश ऑन डिलीवरी, हमने जो किया था कैश ऑन डिलीवरी एंड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, जो हमने वहाँ पे तो रोजी पे जो क्लिक किया था उसके लिए इसे आया रोजी पे, तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे मारते हैं प्लस ऑर्डर, तो नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ नहीं दिया, फिर से दे लेता हूँ सदरपुर, फोन नंबर 58E, ठीक है, शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस, नहीं सेम एड्रेस पे ही करेंगे, अगर डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्म दे रहा है, तो नहीं हम सेम एड्रेस पे शिफ्ट करेंगे, तो सेव। देखिए कितना सारा ऑप्शन है यहाँ पे, अब एक साइट को जस्ट डिजाइन करना है, तो डिजाइन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर नंबर 21, डेट ऐसा दीप सांतरा, टोटल कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर डिटेल्स ऐसा ऐसा सब कुछ, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस सब कुछ है, ठीक है, तो आज इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे एक होम पेज बना के ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कैसे, तो चलते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे एलिमेंटर को यूज करके
प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।